हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेट्स आईसीएस लखनऊ। मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। हमने आम तौर पर ये तो देखा है कि बच्चों की लंबाई बढ़ती है, ये पर्वत की लंबाई कैसे बढ़ गई ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़े उसके पहले मेरे तीन क्वेश्चन जिसका जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा। पहला सवाल कि मीन सी लेवल से दुनिया की सबसे ऊंची पीक कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन कि अगर किसी माउंटेन को उसके बेस से लेकर उसके पीक तक अगर नापा जाए, मेजर किया जाए, तो ऐसे में दुनिया की सबसे ऊंची पीक, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। और तीसरा क्वेश्चन कि अर्थ के सेंटर से लैंड पर जो फार्देस्ट पॉइंट हो सकता है वो कौन सा है। क्या इन तीनों का जवाब एक ही है? अगर एक है तो वो क्या है और डिफरेंट है तो वो क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। हम सभी ने बचपन से एक चीज अपने जनरल स्टडीज, अपने जनरल नॉलेज की बुक में पढ़ी होगी कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, दुनिया की हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। ये कोई नया फैक्ट नहीं है, बचपन से हम जानते आ रहे हैं। तो आखिर अचानक से आज ऐसा क्या हो गया कि इस पर ये न्यूज में है, इतनी ज्यादा चर्चाओं में है। हुआ दरअसल ऐसा है कि अभी अभी ट्यूजडे को फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेपाल एंड चाइना, इन दोनों ने जॉइंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक वेबिनार किया और यहां पर इन्होंने डिक्लेयर किया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब 8848.86 यानी कि 86 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसके पहले अभी तक की जो एस्टेब्लिश्ड हाइट थी माउंट एवरेस्ट की, इट वाज 8848 मीटर और ये 1954 से दुनिया भर में एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट था। इस डिक्लेरेशन के साथ ही बहुत ही वर्षों से, बहुत लंबे समय से चला आ रहा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर एक डिस्प्यूट बिटवीन नेपाल एंड चाइना वो भी सेटल हो गया। चाइना अभी तक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को क्लेम करता था 8844 मीटर यानी कि 29,017 फीट और नेपाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को क्लेम करता था 8848 मीटर विच वॉज कैलकुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। और फीट में देखें तो ये ऊंचाई होती है 29,028 फीट। तो दोनों यानी कि नेपाल और चाइना की कैलकुलेशन में यहाँ पे 4 मीटर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चाइना और नेपाल दोनों ने ही क्लेम किया कि माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई अब है 29,031 फीट यानी कि पुरानी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट जो कि नेपाल मानता था उससे 3 फीट ज्यादा। माउंट एवरेस्ट के अलावा दुनिया में शायद ही कोई ऐसी पीक होगी जिसको लेकर इतना ज्यादा विवाद रहा हो। पहले भी इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की कहां से नापी जाए इसको लेकर विवाद था कि जहां पे उसकी रॉक स्ट्रक्चर आती है वहां से इसको नापा जाए या फिर उसके ऊपर, क्योंकि परमानेंट 12 महीने हमेशा एक बर्फ की चादर होती है, तो चूंकि वो हमेशा होती है इसलिए इट इज पार्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट इटसेल्फ। तो क्या इसको काउंट किया जाए या नहीं किया जाए इसको लेकर भी बहुत समय से विवाद था। तो हम देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट हमेशा से इस तरह से डिस्प्यूट का विषय रहा है और उसकी ऊंचाई हमेशा से कंट्रोवर्सी का केंद्र रही है। अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नेपाल और चाइना के बीच में, इससे ये कंट्रोवर्सी शायद अभी खत्म होती हुई नजर आ रही है और अब जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन जाएगा कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और उसकी ऊंचाई है 29,031 फीट। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले हम एक बार देखते हैं कि जो पुरानी मेजरमेंट 8848 मीटर की है ये किसने की थी और कैसे की थी। तो ये मेजरमेंट की गई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इन 1954। उस वक्त जीपीएस का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था, मुझे तो नहीं लगता कि उस वक्त तक जीपीएस चर्चा में भी रहा होगा। उस वक्त जिन टूल्स इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए, दोज वर बेसिक सर्वे टूल्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लाइक थियोडोलाइट्स एंड चेन्स। और उस वक्त जो ऊंचाई सामने आई थी इट वाज 8848 मीटर। इस मेजरमेंट को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया था इंक्लूडिंग नेपाल। इस मेजरमेंट को सिर्फ एक देश ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इट वाज चाइना। चाइना ने बाद में आगे चलकर एक अलग से अपनी सेपरेट मेजरमेंट की और जो कैलकुलेशन, जो मेजरमेंट उनकी आई इट वाज 8844 मीटर यानी कि इंडिया की कैलकुलेशन से 4 मीटर कम। तो हमारे पास इस वक्त तक 2 मेजरमेंट हो गई, एक इंडिया के द्वारा की गई 8848 मीटर और एक चाइना के द्वारा की गई 8844 मीटर। बाद में 1999 में एक तीसरा एस्टिमेट हुआ, आपने टीवी पे कभी ना कभी नेशनल ज्योग्राफी चैनल जरूर देखा होगा, तो उनकी एक सोसाइटी है नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
इनके द्वारा 1999 में एक और कैलकुलेशन की गई, एक और मेजरमेंट हुआ और उसका रिजल्ट आया 8850 मीटर, यानी कि 29,035 फीट। तो इस वक्त तक हमारे पास में तीन मेजरमेंट्स हो चुकी थी माउंट एवरेस्ट की, लेकिन दुनिया की ज्यादातर जनरल नॉलेज की बुक्स में जो मेजरमेंट अपडेटेड था इट वॉज 8848 मीटर। सिर्फ चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी, इन दोनों के ही डेटा इस डेटा से, यानी कि 8848 मीटर से अलग थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां तक तो ठीक है, दुनिया में सभी देश 8848 मीटर इस डाटा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, कहीं पे शायद ही कोई डिस्प्यूट रहा हो, सब कुछ ठीक ठाक था, तो फिर अचानक से एक नई मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ गई? ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2015 में आया नेपाल में अर्थक्वेक, और जैसे ही ये अर्थक्वेक आया, दुनिया भर के जितने भी जियोलॉजी विशेषज्ञ थे, जितने जियो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इस अर्थक्वेक के बाद हिमालयन रीजन में जितनी भी माउंटेन पीक्स हैं उनमें ज्यादातर में हाइट में कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन जरूर हुआ होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट दुनिया भर के जितने क्लाइंबर्स हैं उनकी हमेशा नजर में रहता है, लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए उसके ऊपर चढ़ते हैं, अपने एडवेंचर को पूरा करते हैं। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई फिर से नापी जाए, एक मेजरमेंट किया जाए। आखिर इन वैज्ञानिकों को ऐसा क्यों लगा होगा कि अर्थक्वेक आया तो ऊंचाई बढ़ी होगी या घटी होगी, कुछ चेंज हुई होगी? इसके लिए हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, विच इज अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से अर्थ की जो क्रस्ट है वो कुछ प्लेट्स में डिवाइडेड है, और ये प्लेट्स आपस में इंटरैक्शन करती हैं। ये इंटरैक्शन तीन तरह से हो सकता है, या तो ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगी, या तो ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे, जिनको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। जब प्लेट्स पास आएंगी तो उनको बोलते हैं कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, या फिर एक तीसरा इंटरैक्शन हो सकता है जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट कर रही हों, इसको बोलते हैं ट्रांसकरेंट प्लेट मार्जिन या प्लेट बाउंड्री। तो यहां पर हम देखेंगे इंडियन प्लेट पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट थी और वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर चुकी है, और ऊपर आने के बाद इसने यूरेशियन प्लेट को हिट किया, जिनकी वजह से यहां पे एक कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन का निर्माण हुआ। कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन जब भी बनते हैं उनकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है, जब ये पास आते हैं तो। दो प्लेट्स में से जिनकी भी डेंसिटी ज्यादा होती है वो प्लेट हो जाती है सबडक्ट, और जिस प्लेट की डेंसिटी कम होती है उनका होता है फोल्डिंग। तो हमारे केस में इंडियन प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है और उसका हुआ है सबडक्शन, और यूरेशियन प्लेट की डेंसिटी कम है, उनका हुआ है फोल्डिंग। तो इंडियन प्लेट के सबडक्शन की वजह से हिमालयन माउंटेन सिस्टम का निर्माण हुआ है। तो जब भी ये हुआ, उसके होने के बाद से ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस रुक गया, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस और ये लगातार चल रहा है। यहां पे एक बहुत ही बड़े अर्थक्वेक का आना इस बात का संकेत है कि इस टेक्टोनिक प्लेट में कोई हलचल हुई है, कोई मूवमेंट हुआ है, और मूवमेंट होगा तो वो जाहिर सी बात है कि इंडियन प्लेट शायद वो और नीचे गई होगी और यूरेशियन प्लेट में और ज्यादा फोल्डिंग हुई होगी। अगर और ज्यादा फोल्डिंग होगी तो इसकी ऊंचाई थोड़ी और बढ़ सकती है, और यही इस बार रिजल्ट में सामने आया भी है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 3 फीट तक बढ़ गई एक भूकंप आने के बाद। तो इस अप्रैल 2015 के अर्थक्वेक आने के बाद नेपाल की गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि अब वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के लिए फिर से एक मेजरमेंट करेंगे। इस डिक्लेरेशन के साथ ही न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने नेपाल की गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। न्यूजीलैंड और नेपाल के बीच में एक बहुत ही पुराना संबंध है, एक बॉन्ड है, वो शायद इसलिए क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जिस व्यक्ति ने चढ़ाई की थी वो न्यूजीलैंड के सिटीजन थे, सर एडमंड हिलरी, और उनके साथ में चढ़ाई की थी नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने इन मई 1953। तो ये जो पुराना बॉन्ड है न्यूजीलैंड और नेपाल का, वो यहाँ पर फिर से देखने को मिला। मई 2019 में न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने जितनी भी मॉडर्न लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट और उससे रिलेटेड जितने भी टेक्नीशियंस हैं, उनकी एक टीम क्रिस्टोफर पियर्सन जो कि एक वैज्ञानिक है इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो, उनकी नेतृत्व में एक टीम भेजी नेपाल की हेल्प करने के लिए, और इनकी टीम ने 1.5 साल का समय लगाकर एक मेजरमेंट किया और नई कैलकुलेशन को लेकर हमारे सामने आए। और मई 2019 के ठीक एक साल बाद यानी कि मई 2020 में एंट्री होती है चाइनीज सर्वे डिपार्टमेंट की। चाइनीज सर्वेइंग टीम ये भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापने के लिए
एक कैंपेन शुरू करते हैं इन मई 2020। बाय द वे, चलते चलते मैं आपको बताता चलूं कि चाइना में लोकल लैंग्वेज में माउंट एवरेस्ट को माउंट कोमोलांगमा कहते हैं। देखिए, चाइना और नेपाल दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियल डिक्लेरेशन अबाउट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट ये किया तो एक साथ है, पर इनकी सर्वे, इनका मेजरमेंट, ये दोनों अलग अलग सेपरेटली किया गया था। इनफैक्ट नेपाल की टीम ने लगभग एक साल पहले ही काम कंप्लीट कर लिया होता। अगर ये पैंडेमिक नहीं आता तो इनका रिजल्ट शायद और पहले डिक्लेयर हो गया होता। इनके रिजल्ट, इनका, इन्होंने जो भी फील्ड वर्क किया उनके बहुत सारे डेटा इकट्ठे हुए थे, उनकी एनालिसिस करने में इनको थोड़ा ज्यादा समय लगा। चाइना ने काम देर में शुरू किया पर उन्होंने काम जल्दी खत्म कर लिया और इस तरह से दोनों के रिजल्ट्स एक साथ हमारे सामने हैं इस बार। परंतु दोनों के डेटा वो मैच भी करते हैं और वो 86 सेंटीमीटर, ये बात बताते हैं कि 86 सेंटीमीटर 8848 मीटर से ज्यादा है। क्योंकि उनका डेटा एक साथ आया और वो एक जैसा है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों ने एक साथ ही उसका डिक्लेरेशन किया है। इस मेजरमेंट को करने के लिए नेपाल की गवर्नमेंट ने जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं उनके साथ साथ जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इन दोनों का इस्तेमाल किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेडिशनल टूल्स एंड टेक्निक्स से जो डेटा आया वो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के डेटा से हूबहू मैच कर गया। और इस मैचिंग के बाद अब उम्मीद जताई जा सकती है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर दुनिया भर में वैज्ञानिकों के बीच में जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, अब शायद उस पे एक विराम लगेगा और हमारे पास में एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। सो अब लौटते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि मीन सी लेवल से अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई अभी हम लोगों ने देखी है 8848.86 मीटर्स। लेकिन अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाए और कहा जाए कि अगर बेस से लेकर अपने पीक तक देखा जाए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या इसका जवाब फिर भी माउंट एवरेस्ट रहेगा? और अर्थ के सेंटर से जो फार्देस्ट पॉइंट हो सकता है लैंड पे, अर्थ की सरफेस पे, वो क्या है? क्या वो भी माउंट एवरेस्ट का पीक ही है? तो ऐसा नहीं है, इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब अलग अलग है। अगर हम लोग देखें बेस से लेकर टॉप तक, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत होता है मौना किया, जो कि सिचुएटेड है ऑन द हवाईयन आइलैंड्स। और अगर सी लेवल से चोटी तक, यानी कि पीक तक देखा जाए, तो दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। और अर्थ के सेंटर से जो फार्देस्ट पॉइंट हो सकता है अर्थ के लैंड सरफेस पे, वो है माउंट चिम्बोराजो, जो कि सिचुएटेड है इन द कंट्री ऑफ इक्वेडोर ऑन द एंडीज माउंटेन रेंज। तो इनकी लोकेशंस हुई माउंट एवरेस्ट एट द नेपाल चाइना बॉर्डर ऑन हिमालयन माउंटेन रेंज, मौना किया ऑन द हवाईयन आइलैंड्स, माउंट चिम्बोराजो हाईएस्ट माउंटेन इन इक्वेडोर ऑन एंडीज माउंटेन रेंज एंड ऑल्सो फार्देस्ट पॉइंट ऑन लैंड सर्फेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आगे बढ़ने के पहले एक बार तीनों की लोकेशंस मैप पर देख लेते हैं। ये है इंडिया, आप इंडिया को आसानी से रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे। ये है हमारा वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप में ये रहा अफ्रीका, दिस इज यूरोप, दिस इज एशिया, एशिया के अंदर में ये है इंडिया। इंडिया में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दिस इज इंडिया, नेपाल, चाइना, और चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर अगर इस तरह से हम यहां पर जूम करें तो पहुंचेंगे ऑन द माउंट एवरेस्ट। ये देखिए माउंट एवरेस्ट दिखना शुरू हो चुका है। देखिए दिस इज द नेपाल चाइना बॉर्डर, ये व्हाइट रंग की एक बहुत ही महीन सी लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये रहा नेपाल चाइना बॉर्डर, दिस इज नेपाल चाइना बॉर्डर, और इसी नेपाल चाइना बॉर्डर पर सिचुएटेड है माउंट एवरेस्ट। और अब एक बार देख लेते हैं कि चिम्बोराजो कहां पर है। तो चिम्बोराजो के लिए हमको चलना होगा इन द अमेरिकास कॉन्टिनेंट, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो एक बार देखते हैं कि ये कहां पर है, दिस इज इंडिया, और इंडिया से हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, दिस इज पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन पार करने के बाद यहां पर पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अगर हम लोग जूम करेंगे तो देखेंगे कि दिस इज ब्राजील, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, और उसके बगल में ये रहा पेरू, पेरू के बगल में इक्वेडोर, इक्वेडोर वो देश है जिससे होकर गुजरती है इक्वेटर रेखा, और इक्वेडोर के अंदर में हम लोग देखेंगे कि इक्वेडोर की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर्वत है वो है चिम्बोराजो, और ये रहा चिम्बोराजो।
और अब देखेंगे हम लोग मौना किया के बारे में। ये रहा इंडिया, इंडिया से हम लोग ईस्ट में अगेन एक बार फिर से पैसिफिक ओशन की तरफ चलेंगे। इस बार पैसिफिक ओशन के बीचों बीच में पड़ता है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसको हम लोग बोलते हैं हवाईयन आइलैंड। पॉलिटिकली इट इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका हिस्सा है। इस हवाईयन आइलैंड्स में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उसमें से एक आइलैंड पर यहां पर पड़ता है मौना किया। अगर मीन सी लेवल से इसकी ऊंचाई देखें तो वो आती है 4,207 मीटर मात्र। कहां माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर और कहां मौना किया 4,207 मीटर। लेकिन इसकी शुरुआत समुद्र की तलहटी से, यानी कि जो ओशन बेस है वहीं से शुरू हो जाता है। इस वजह से जो टोटल इसकी पूरी ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सी लेवल से वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी नई ऊंचाई भी अब हमारे सामने है, और मौना किया, इसकी कुल ऊंचाई है 10,210 मीटर, यानी कि 33,500 फीट। वीडियो को खत्म करें उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची माउंटेन पीक्स फ्रॉम एमएसएल यानी कि मीन सी लेवल से कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है माउंट एवरेस्ट, जिसको सागरमथ या चोमोलुंगमा भी कहते हैं। ये होता है ऑन हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज में भी अगर हम लोग देखें कि एग्जैक्टली कहां पर है, तो ये है महालंगूर हिमालय पे। और कौन से देश में है अगर ये देखें तो इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना। दूसरे नंबर पर आता है केटू, इट लाइज इन इंडिया। इंडिया में भी प्रिसाइजली कहें तो ये POK में लाई करता है। तीसरे नंबर पर आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा आप जानते हैं कि ये भी इंडिया में ही है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर। चौथे नंबर पर आता है लॉर्ड्स से, ये भी हिमालय के उसी पोर्शन में है जहां पे कि माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद आता है मकालू, ये भी उसी जगह पर है जहां माउंट एवरेस्ट है, उसके आसपास ही। चो ओयू, ये भी उसी जगह पर है जहां माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद आता है धौलागिरी वन, धौलागिरी वन ये पूरी तरह से नेपाल के अंदर है। इसके बाद आता है मानसलू, मानसलू भी पूरी तरह से नेपाल के अंदर में है। इसके बाद आता है नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर, ये पाकिस्तान में पड़ता है। एंड फाइनली 10वें नंबर पर आता है अन्नपूर्णा वन, ये नेपाल में पड़ता है पूरी तरह से। तो ये हो गई दुनिया की 10 सबसे ऊंची माउंटेन पीक्स। और इसी के साथ में हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे आप इस सीरीज में और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताइए। और देखते रहिए वेबसाइट सीएस लखनऊ का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।